अगर आप ग्रेजुएट लेवल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनफाइनाइट रेडिकल्स या नेवर एंडिंग स्क्वायर रूट वाले सवाल लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा ए बी सी डी में, और मैं बोलूँ इसका आंसर होगा रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b, या आपके पास सवाल है 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 एंड अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या होगा, और मैं बोलूँ इसका आंसर होगा 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100 यानी कि बी। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज का हमारा सेशन इनफाइनाइट रेडिकल्स के ऐसे सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है। वीडियो पूरा देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 10 इंटू nth रूट ऑफ 10 इंटू nth रूट ऑफ 10 nth रूट ऑफ 10 अप टू इन्फिनिटी का जवाब क्या होगा। मान लीजिए ये पूरा टर्म x है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 10 nth रूट ऑफ, अब यहाँ देखिए ये पूरा टर्म को हम x माने तो ये टर्म भी x है, ये पूरा टर्म x मान लिया गया और ये इन्फाइनाइट सीरीज तक है तो इसको भी हम x लिख सकते हैं। तो क्या होगा 10 nth रूट ऑफ x इक्वल टू x, जैसा कि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ y को अगर हम पावर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा y टू द पावर 1/2। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ y इक्वल टू y टू द पावर 1/3, और nth रूट ऑफ y तो क्या लिख सकते हैं y टू द पावर 1/n। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू x टू द पावर nth रूट है तो क्या हो गया ये 1/n, और यहाँ पे क्या हो गया x, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 10 इक्वल टू x बटे x टू द पावर 1/n, जिसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए x बटे x टू द पावर 1/n इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 है, x टू द पावर 1 है ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n मतलब x टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1/n, ठीक है। तो क्या हो गया 10 इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 बटे n, तो क्या हो गया 10 इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 बटे n, इट मींस ये हो गया 10, ठीक है। तो x क्या हो गया 10 टू द पावर, ये पावर उधर जाएगा तो क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या हो गया n बटे n माइनस 1। तो इस इन्फाइनाइट रेडिकल का आंसर क्या होगा 10 टू द पावर n बटे n माइनस 1, जहाँ पे n इक्वल टू 2 3 4 या 5 या कुछ भी हो सकता है। अगर n 2 होगा सब जगह तो क्या होगा आंसर 10 टू द पावर 2/1 मीन्स 10 टू द पावर 2 इट मीन्स 100। अगर n 3 होगा हर जगह तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा 10 टू द पावर 3 बटे 3 माइनस 1 2 10 टू द पावर 3/2 ये आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा 45 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर 2/3
या 75, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए पूरा टर्म है x, 3, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मान लीजिए ये पूरा है x, ये पूरे टर्म्स और ये टर्म को देखिए, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और ये भी, ये पूरा x है तो ये भी x है, ये भी x है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो स्क्वायर रूट ऑफ x, ये पूरा x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर, इक्वल टू x, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट एक्स, इसका स्क्वायर हो गया तो क्या हुआ बचा, 5 रूट एक्स बचा, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करते तो क्या हो गया, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हुआ, 3 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ये सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि रूट एक्स इक्वल टू, रूट एक्स क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्या होता है एक्स टू द पावर 1 बाई 2, तो डिवाइड हो रहा है तो 2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 एलसीएम 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3 बाई 2, तो ये हो गया 3 बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 बाई 2, तो x क्या होगा इसमें, तो x हो जाएगा दिस और ये पावर यहां आएगा इनवर्स होकर के, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर, ये पावर इधर भेजे तो इनवर्स हो गया, तो 3 बाई 2 यहां था तो यहां पे क्या पावर लगेगा 2 बाई 3, 2 बाई 3, ये क्या हो गया, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 टू द पावर 2 इंटू 2 बाई 3, तो क्या हुआ 4 बाई 3 इंटू 5, 5 के पावर 1 है और 2 बाई 3, तो 1 इंटू 2 बाई 3 2 बाई 3, यही आंसर, तो आंसर इज सी। अब हम लोग देखते हैं कि सेशन स्टार्टिंग में जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे उसका कॉन्सेप्ट के साथ अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा, मान लीजिए इसका आंसर है x, तो ये पैटर्न और इस पैटर्न को देखिए तो ये भी x है, तो क्या लिख सकते हैं इसको पूरा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर हम पूरा मान रहे हैं x तो ये भी वही पैटर्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये पूरा हो गया x इक्वल टू x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू x, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर कितना हो गया x, एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, तो एक्स और स्क्वायर हट गया तो एक्स इक्वल टू 3, तो आंसर इज 3, इसका आंसर है 3। इसका क्या होगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी को मान लीजिए एक्स, तो ध्यान से देखिए 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ, ये टर्म भी एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए क्या हो गया 10 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
x और यहाँ x स्क्वायर, अगर हम काटते हैं तो ये कट गया, तो x इक्वल टू 10 स्क्वायर मतलब 100। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।